ब्लॉग में और हम आए पटना जंक्शन और ये दिखा रहे हैं आपको जो पीछे दिखा रहे कशिश भोग, वो इस सीढ़ी पर चढ़ रही है, उससे उतर रही है। ये लोग इस सीढ़ी में बहुत अच्छा लगता है उतरना। चलिए भोपू उतर गया, भोपू तल में ला गया था, कितने कितने बच गया था, क्या कर रहा था भोपू। तभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी नहाने, हम लोग चारों लोग जा रहे हैं। अब मिलते हैं वहाँ पे गाय घाट। हम लोग आ गए हैं, वीडियो नहीं उसका बनाया है, हम लोग नहा लिए, नहा वहा के पास तैयार है और हम लोग निकलने वाले। भोपू भी निकाल लिया, अरे भोपू बाल नहीं झाड़ रहा, कंघे तो हाइये था भोपू, बाल झाड़ना देता है, हम लोग बाल झाड़ लिए, पिंगमा छिंक लगाते कंघी बैगवा में है, हो गया झाड़ लिया। अरे देख सकते हैं अभी कुछ कुछ लोग नहा रहे हैं, इधर अभी दुकान है, दुकान नहीं है, बोतल बिक रहा है, गैलन बिक रहा है, पानी भर के लेके जाने के लिए। तो अभी पुल बन रहा है, पुल उतने है। कितना दूर है आपको दिखाते हैं, ये हमारा गायघाट का गंगा जी है जो हम लोग यहीं पे आते हैं। तो गाइस हम घर आ गए हैं, घर आके अभी 2 घंटा हुआ है, अभी मीन क्या हाँ लाडो भी बैठी हुई थी मेरे गोद में, बैठ के हम चाय पी रहे हैं। कभी कभी रेस्ट भी करना चाहिए, सो लग रहा होगा मेरा चेहरा सोया होगा कि हम सोए नहीं है, ऐसे बैठ के फिल्म देख रहे हैं। अब मेरा कैंडी एक पटाखा छूटा है, बस एक पटाखा का ये हाल है, एक पटाखा छूटा, थर थर कांपना स्टार्ट हो गया। आराम से बैठ के फिल्म देखिए और मस्त बिना चीनी वाला चाय पीजिए। चेयर तो आज कशिश भोपू चला गया है, अब वो आएगा 7 तारीख को आएगा। दोनों जाने में बहुत ज्यादा दोनों रो रहे थे, फिर भी उन लोग को ले जाया गया, स्कूल जाना है इसके कारण। अब हम जाएंगे कुछ देर में रोटी बनाने, ये अकेले आज पहली बार बैठे हैं, ऐसे बैठते नहीं है, रोज तो देखते हैं दुकान से, घर घर से दुकान करते हैं, आके फिर टाइम हो जाता है जल्दी, कुछ सही से होता नहीं है, बस बिजी टाइम चलते हैं। आज एकदम आराम से बैठे हैं, मुश्किल से हमें आधा घंटा हुआ, आधा घंटा बैठे हैं, उसके बाद जाएंगे रोटी बनाने। तो वीडियो साथ बने रहिए, आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं हम, जो कि रोज दिखाते हैं। अभी बन रहा है सूजी का पिट्ठा जो कुछ दिन पहले आपको दिखाए थे, और ये बन रहा है मेरे यहाँ मोमो, में मोमो का वैरायटी देख सकते हैं, जैसे आया वैसे बना दिए, ऐसे शंख लग रहा है देखने में, नहीं एक इधर सोया हुआ है, इधर सोया हुआ पिट्ठा का भी दोबारा आटा सना रहा है, आटा नहीं सूजी वाला सना रहा है गर्म पानी के साथ। और ये मोमो बन के थोड़ा सा तैयार, देखिए बाजार का मोमो अलग लगेगा, घर का मोमो अलग लगेगा खाने में, घर का उतना अच्छा नहीं लगता, बाकी घर का बहुत हेल्दी, घर का है बहुत हेल्दी मोमो रहता है, बाहर का खाइएगा ज़्यादा स्वाद लगेगा, बाकी वो हेल्दी नहीं रहेगा। बाहर का खाइएगा पूरा वाइट दिखेगा, घर का बनाइएगा तो पूरा वाइट नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा मटियला कलर का दिखेगा। अभी डला गया, हम लोग ऐसे मोमो बनाते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं, एक दादी को देंगे पिट्ठा, एक हम खाएंगे, दो दादी खाएगी। पिट्ठा एक हमारा दूगो तो और अभी खाना खाई लगे हो, कैंडी अभी को पटाखा छूट गया तो कैंडी जखनी से बहुत देरी है, शानदार बैठ के ओंग रहा है, ये खा रहा है इतनी सा सब्जी में खाना।